ओके सो ये है यहाँ से रगड़ लगी क्या रोड रेज क्या करना ये देखो रोड रेज हो गया मेरे ख्याल से हो गया अभी यार रोड रेज अभी एक्चुअली पंकज भाई का फोन आया पंकज भाई वो है मेरे लाइक एक अच्छे दोस्त हैं ऐसे करके और गाड़ी में अपना भैया देखो जान हथेली पर लेके दूध लेके आया अरे साथ में आइए ना साथ में आइए घबरा गए रहे हैं अब घबराना नहीं है निकल गए हैं हम ऑफिस से घर के लिए अरे उंगली क्या आ रही है उंगली क्या आ रही है भाई किसकी उंगली अरे अपनी उंगली है राइट हैंड साइड की उंगली है एक्चुअली वाइड किया हुआ है थोड़ी सी उंगली आ गई थी जो मैं चलो क्लिप क्या काटना उसको मैं थोड़ा सा एंटरटेनिंग बना देता हूँ तो वो चीज़ है और पंडित जी भी तकरीबन 6 बजे के आसपास निकल जाएंगे हम भी निकल गए हैं आज गा कहाँ रहे हैं बेबी शूट है घर का थोड़ा सामान लेना है वो भी है और बेबी शूट भी है सो दूध वगैरह लेने हैं वो और वो सारी चीज़ें दूध के साथ साथ और क्या था दूध और दही लेने हैं अब एक्चुअली क्या है फ्रिज हमने खोला नहीं अब खोलने का टाइम नहीं मिला कल तो लाइक वैसे ही लेट हो गए थे फिर आज तो मैं यहाँ ऑफिस आ गया और सुबह टाइम नहीं होता तो मोस्ट प्रोबेबली आज भी मैं शायद घर पे लेट ही पहुँचूंगा तो कल शाम को शायद मुहूर्त होएगा या मैं कहूँगा मुँह दिखाई होगी आपने लास्ट टू लास्ट क्लिप में वो देख ही लिया होगा और लाइक अभी ये वाला मॉर्निंग वाला क्लिप में इतना बोला लाइक 35 मिनट भाई 35 मिनट का व्लॉग बन गया है वो आप देखिए वो चेकआउट कीजिए और वो 35 मिनट शायद मैं इतने दिन से बोला नहीं था लाइक 4-5 दिन से मैं कंटिन्यूसली घर पे था सारी काम वाम कर रहे थे काम करते करते इतना टाइम नहीं मिल रहा था सो जितना भी लाइक 9 मिनट 10 मिनट 14 मिनट 12 मिनट इस टाइप से लाइक आ रहे थे बार बार छोटे छोटे मैं बना के क्योंकि वो ना मैं GPRS वगैरह से कर रहा था तो GPRS पे इतना स्पीड नहीं आ रहा था वहाँ पे मेरे वाले सेक्टर में जहाँ पे मैं करंटली रह रहा हूँ बस बद्दी एरिया में यहाँ पे ठीक है यहाँ पे ना लाइक लोकेशन फ़ोन आ गया भैया फ़ोन किसका आया देखना पड़ेगा अभी एक्चुअली मैं जो बात कर रहा था फ़ोन एक्चुअली लैंडलॉर्ड का आया था और काफ़ी स्वीट अंकल है उन्होंने लाइक बाल्टी वगैरह हैं अपने को प्रोवाइड करी हैं जो कहीं ना कहीं हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं नहाने के लिए या डस्टबिन वगैरह यूज़ करने के लिए एक 2 बाल्टियाँ हैं उसमें से एक ज़्यादा थोड़ा ना एक्चुअली उनके पेंट वर्क वगैरह चल रहा है सो वो है और कुछ उन्होंने हमारे को लाइक ही इज़ गाइडिंग अस के कैसे रेगुलेटर वगैरह और वो पाइप वगैरह अरेंज कर सकते हैं कैसे हम कनेक्शन ले सकते हैं कहाँ से ले सकते हैं बिकॉज वी आर जस्ट न्यू ना अभी घर से फ़ोन आ गया चलो ये भी अटेंड करना ज़रूरी है आज व्लॉगिंग नहीं होगी आज तो फ़ोन ही अटेंड करेंगे हम हेलो जी हो गया हैप्पी बर्थडे क्या हुआ एक ट्रक था एक्चुअली वो इस साइड आ रहा था और यहाँ से मैं ओवरटेक कर रहा था उसको सो वो क्या हुआ दो गाड़ियाँ निकलने का थे मैं क्या चलो वो ट्रक वाला रुका हुआ है उसने पीछे किया मेरे को लगा पीछे किया मैंने आगे निकाला उसने एकदम से फर्स्ट गियर लगाया और फर्स्ट गियर लगा के वो आगे आया और मेरा गाड़ी ये था और पीछे से लाइक भड़ंगा हो गया वो भड़ंगा हुआ है क्या हुआ है वो तो खैर बाद में देखेंगे अभी तो यार भाई टाइम अब गाड़ी है तो भैया लग भी जाती है अब टेंशन लेके क्या करना है गाड़ी है लग गई हो गया एक्सीडेंट लाइक जो भी टूट फूट हुआ होगा वो देखेंगे बाद में क्या कुछ कितना कुछ हुआ अभी तो टाइम नहीं है अभी तो सीधा निकल रहे हैं कहाँ पे काम करने अरे यार दूध वाला रह गया दूध अब कहाँ से पकड़ूँ दूध और दही दोनों रह गई है वो भी ज़रूरी है चलो देखते हैं अरे हाँ याद आया यार GoPro में तो कैप्चर हुआ होगा ना हाँ GoPro का चलो फुटेज डाल दूंगा मैं वो वाला नंबर वगैरह मिल जाएगा अब लाइक जो वो वाला वीडियो था वो आई वॉज ऑन अ कॉल जो आपने इसे पीछे देखा मतलब एंड आई वॉज ऑन अ कॉल एंड वो ब्लूटूथ से कनेक्टेड था फिर लोग बोलेंगे भैया कान पे है लगा के नहीं भैया ब्लूटूथ वाला कनेक्शन था तो ब्लूटूथ से वो कनेक्टेड था मेरे दोनों हाथ एंगेज थे बट कहीं ना कहीं देखो थोड़ा बहुत मिसकैलकुलेशन हो गया उन लाइक मेरी वजह से शायद हो गया मैम मेरी मिस कैलकुलेशन हो गई वो पीछे गए तो मेरे को लगा वो पीछे हो गए हैं और क्योंकि वो ट्रक था लोडेड था ऐसे थोड़ा ऊपर वाली साइड में था ऐसे ना सो वो पीछे गए ऊपर वो पीछे से लाइक आगे लेके आ रहे थे और वो आगे लेके आ रहे थे तो मैं यहाँ से मैं थोड़ा क्रॉस किया लाइक मैं बचाने की कोशिश किया पर चलो लग गया तो लग गया यार अब क्या इसको वो लेके बैठना के अरे मेरी गाड़ी ठोक गए यार देखो गलती उसकी नहीं थी गलती चलो क्या सकते हो मैं शायद रुक जाता चाहे गलती मेरी अरे अपनी गलती मान लो भैया मेरी गलती थी सिंपल है
गलती की तो मानो, सिंपल। हाँ इसमें ये क्या यार उसकी गलती है, कहते भैया ऐसे क्या रोड रेज क्या करना। ये देखो रोड रेज हो गया, मेरे ख्याल से हो गया भैया, रोड रेज हो गया यहाँ पे, ये रोड रेज हो गया कसम से। अभी देखो अभी मैं बोल रहा था रोड रेज नहीं करना, नहीं होना चाहिए, हो गया वो देखो निपटा दिया, साइड में लगा दी गाड़ी, पीछे वाला जो भी गाड़ी वाला था लाइक वो बीच में ऐसे लगाया कि हो गया होगा। रोड रेज करने का कोई फ़ायदा नहीं है भैया, अगर आपके पास ज़्यादा ही गूदा है ना तो जाके मिलिट्री में लड़ो, देश की सेवा करो, यहाँ पे लाइक इतना करने की ज़रूरत नहीं है, अपना नॉर्मल रहो। हाँ सिंपल। अभी एक्चुअली पंकज भाई का फ़ोन आया, पंकज भाई वो है मेरे लाइक एक अच्छे दोस्त हैं, अच्छे हर्ट वाले दोस्त हैं, साफ दिल कहते हैं ना जिसको, अंग्रेजी छोड़ा हिंदी में आओ, साफ दिल वाले दोस्त हैं। तो उनसे लाइक काफ़ी तकरीबन 15-20 मिनट बात हुई, सो हुई थी कोई टॉपिक चल रहा था उसके ऊपर बात हुई। और अभी गूगल मैप लाइक मेरे को ये पिंजौर से जाना है, पर गूगल मैप पता नहीं क्यों पीछे पीछे साइड में उधर घुमा रहा है, वो घुमा ऐसी जगह पे रहा है जहाँ पे मेरे को पता नहीं कहाँ से लेके जाएगा, लाइक वो दोबारा सिसवान रोड से ही शायद वो रीरूट करी जा रहा है, बट मेरे को कालका पिंजौर साइड से जाना। ओ यार बच्चों के दूध और वो रह गए, चल वहीं पर आसपास देखता हूँ, वहीं ना कहीं वो मिल ही जाएंगे लाइक बीच में, या तो मैं बीच में जाके निकलाऊंगा और 15-20 मिनट में आसपास लेके और वो दूध वगैरह, और वो फिर मैं कर लूँगा अगर मिलती है कहीं पे दुकान तो, देखता हूँ शायद बीच में भी मिल जाए तो मैं उठा लूँगा बच्चों के लिए। और हाँ कल सुबह में ब्रेकफास्ट में भी तो दही खानी है। आज भैया क्या हुआ, दो मैगी बना दी, 3 रोटियाँ दे दी, और मैगी गर्म करने का टाइम मिला क्योंकि एक मीटिंग था, वो मीटिंग चलते चलते मतलब पौने एक ही हो गया, एक 12:55 हो गए थे, हाँ 12:55 हो गए, 5 मिनट रह गए थे खाना खाने में। सो वो करते करते इतना टाइम लग गया कि उसके बाद फिर क्या हुआ, उसके बाद फिर वही हुआ, ठंडा मैगी, ठंडा खाना मतलब ठंडी रोटी, तो वो है गले से लाइक नीचे हलक से उतर नहीं रही थी, फिर पानी पिया और वो करते करते मतलब देसी जुगाड़, आप समझ रहे हैं इंडियन है तो जुगाड़ वगैरह करते रहते हैं, तो इंडियन जुगाड़ करके और वो सारी चीज़ें हमने करी। अब देखो जुगाड़ पता है क्या, लाइक वो तो है ऊपर वाली लाइन और ये नीचे वाली लाइन में हम घुस गए, मतलब यहाँ से सुबह आए थे ना, वहाँ से ये उधर जाने की है, ये इधर आने की है, मतलब इस साइड जाने की, और वो उधर जाने की सामने उधर से है, बट यहाँ पे रश इतना है, शायद फाटक वगैरह लगा होगा तो यहाँ पे लाइक जहाँ पे भी घुसे लगा लो, सुबह भी जुगाड़ से आए और अभी भी हमने जुगाड़ से बीच में घुसा ली गाड़ी। फाटक हो गया भाई, वो दिख रहा है फाटक, वो देखो नीचे कसम से फाटक। अब तो भैया टाइम कितना हो गया 6:22 हो गए हैं, फाटक लग चुका है और 6 बजे मतलब अपने को पहुंचना था यार, फाटक लग गया तो भैया क्या करें, कुछ नहीं कर सकते, अब लग गया तो लग गया फाटक, बट आगे जाके लाइक आगे लगाएं ना लगाएं, आगे लगाएंगे तो पूरा जाम लग जाएगा, बताओ आप बताओ क्या करें, कमेंट सेक्शन में बताओ भैया कहाँ पर जाएँ, कहाँ ना जाएँ, हैं या तो इस साइड से जाएँ या उस साइड से जाएँ। चलो उतर के शायद मैं देख भी लूँ कि गाड़ी कितनी ठुकी है, अब टाइम तो है ही ना, तो टाइम है तो देख लेते हैं। अब यहाँ पे तो लग रहा है थोड़ा टाइम, तो मैंने हैंड ब्रेक वगैरह खींच दी है, तो देख लेते हैं गाड़ी का लाइक क्या कुछ कांड वगैरह हुआ है, कितनी ठुकी कितना नहीं बचा बाबा। ओके सो ये है, यहाँ से रगड़ लगी और ये हो गया है कांड, चलो ज़्यादा नहीं है बच गया। ये है बंद तो हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा, इतना जाम पूरा लगा हुआ है, देखो पूरा जाम, एकदम पूरा जाम, चलो कुछ नहीं होता, गाड़ी चलेगी तो गाड़ी लगेगी भी, मेन बात क्या, आपका खोपड़ा सही रहना चाहिए, खोपड़ा खराब तो सब खराब। अब एक्चुअली क्या ना, ये बस आ गई है, पीछे गाड़ी है और यहाँ से भाई थे वो 2-व्हीलर वगैरह थे, तो मैंने कहा भैया यहाँ से निकाल लो, यहाँ से देखो ये खाली पड़ा है यहाँ से ना, तो यहाँ से उन्होंने निकाल ली, वो आगे पहुँच गए हैं वो रे। सो हेल्प देखो करनी चाहिए, अगर आप जुगाड़बाजी कर रहे हो तो जुगाड़बाजी में हेल्प भी करनी चाहिए, और देखो पूरा जाम लग जाता है, यही तो इंडिया भैया, यही इंडिया है। हाँ यहाँ पे क्या है, अब रॉन्ग साइड से घुसू के, और वो देखो वहाँ से भी घुसा रहे हैं, कुछ वहाँ से घुसा रहे कुछ वहाँ से, सबको भैया आग लगी पड़ी है, हमारे को भी आग लगी पड़ी है, हमारे को भी पहुंचना है। अब पंडित जी तो पहुंच गए लोकेशन पे, मेरे को यार थोड़ा सा डिले हो रहा हूँ, वो डिले ऐसे हो गया कसम से, चलो कोई बात नहीं पहुंच जाएंगे हम भी। अब जाना किधर से, इधर से आना उधर से जाना, खुद कंफ्यूज रहे, चलो इधर ही घुसा दो यार, इधर से भी गाड़ियाँ जा रही हैं ना, जहाँ से गाड़ियाँ जा रही हैं वहीं घुसा दो, अब इधर से भी जा रही हैं कुछ गाड़ियाँ इधर से जा रही हैं, यहाँ से घुस रही हैं, जगह है तो घुसाओ। अरे आगे कौन सी बस वगैरह तो नहीं है कोई, अरे नहीं
हाँ अच्छा, इधर उतर रही हैं, ठीक है, यहाँ से उतर रही हैं और यहाँ से ऊपर, उधर से उतर रही हैं, इधर से ऊपर चढ़ रही हैं, तो यही है। सो सुबह लाइक मैं जो बता रहा था कि काफ़ी फ्रेंड्स का आया था, तो अभी जाके मैं थोड़ा फ्री हुआ था, तो अभी मैं सबसे लाइक डिस्कस कर रहा हूँ। एंड ये है पिंजौर की मार्केट, है पिंजौर की मार्केट, और ये शाम के टाइम इस टाइप से होती है यार। एक वो वाला जो रश है ना, वो रश आवर लाइक मेरे को ठीक नहीं लगा, बहुत टाइम लग गया भैया उधर। और अगर मैं लाइक 6 बजे निकलूँ तो 7:45 बजे, समझ रहे हो ना, ऑफिस से निकलते हुए यहाँ पे अगर रश मिल जाए तो फिर चीज़ गड़बड़ है। बाकी मैं वो भी देखा है कि कितना घर से मेरे कितना पड़ेगा कितना नहीं पड़ेगा, वो भी मैंने एक लगाया है। अभी तो खैर लोकेशन पे जा रही है, तो लोकेशन का जाके देखते हैं। और दूध, ओ भैया दूध 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 देखो, दूध देखो, यहाँ पे दूध कहीं ना कहीं मिलेगा, दूध जहाँ पे भी मिलेगा वहीं हथिया लेंगे, क्योंकि दूध बच्चों के लिए लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वेलकम टू बीकानेर, दूध नहीं मिलेगा इनके पास, जहाँ पे भी मिलेगा आप कमेंट सेक्शन में बताइए कहाँ पे मिलेगा दूध भैया, मेरे को पता नहीं है पिंजौर का यार है। और जहाँ पे अभी पंडित जी हैं उनसे मैंने पूछा, मैं कह दूध वगैरह तो यार पकड़ लो, वो कह रहे दूध तो नहीं है, मैं साइड में गाड़ी लगा के पूछ लेता हूँ यार कहीं से, बच्चों के लिए दूध वगैरह लेके जाना ज़रूरी है, दही वगैरह भी अपने लिए। दूध मिल गया, चाय थैलियाँ उठा लिए हैं, गाड़ी अपनी साथ में लगी है वहाँ पे, अंकल जी से हमने ले लिया दूध, अब यहाँ पे दही भी ले लेंगे, मतलब जहाँ पे गाड़ी लगाई उसी के बिल्कुल अपोजिट साइड में अपने को दूध भी मिल गया, तो सही जगह पे हमने गाड़ी लगाई थी। तो निकल तो गए हैं यहाँ पे, देखो भारत में लाइक क्रॉस करोगे आप तो कैसे आपको क्रॉस करना पड़ेगा, गाड़ी उधर है, ये ट्रक वाला क्या कर रहा है भैया, अटक गया क्या, चलो क्रॉस करते हैं। अरे भैया रुक जा, ऐसे 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 करके और गाड़ी में अपना भैया देखो जान हथेली पर लेके दूध लेके आए हैं मेरे घर वालों, जान हथेली पर रखकर दूध लेके आए हैं, सलाम करो मेरे को। सो पंडित जी से बात हुई अभी, और पंडित जी कह रहे हैं कि अभी शुरू नहीं हुआ है शूट, सो बढ़िया है हमारे लिए, शूट नहीं शुरू हुआ, 6 बजे का टाइम था, 6:53 हो गए हैं, ठीक है, और हम टाइम से लाइक पहुंच ही जाएंगे, मेरे को ऐसे लग रहा है कि जब तक क्लाइंट वगैरह आएंगे। और दूध वगैरह हमने ले लिया है घर पे भी, चलो मैं बता देता हूँ, दूध मिल गया है, दही भी मिल गया है। अब ये मिला किसका, वीटा का मिला है, वेरका का नहीं मिला, लाइक हर जगह वेरका नहीं होता, कई जगह वीटा होता है, कई जगह मदर डेयरी होता है, ठीक है, वो मदर डेयरी मोस्ट प्रोबेबली शायद दिल्ली साइड में रहता है जितना मेरे को ध्यान में आ रहा है, क्योंकि मैं दिल्ली साइड में था तो वहाँ पे मदर डेयरी वगैरह के काफ़ी है, वहाँ पे वीटा वेरका वगैरह मेरे को दिखा नहीं, तो हर स्टेट का मतलब अलग अलग एक है। और खन 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 पीछे आवाज़ आ रही है, वो एक्चुअली सामान वगैरह पड़ा हुआ है, ये भी निकालेंगे गाड़ी से और अपना घर पे रखेंगे, फ़ोटो वगैरह खींचनी थी तो ले लिया था सामान, नहीं तो हम गाड़ी में तो देखो कुछ नहीं रखता, आराम से गाड़ी चलाओ बिल्कुल मौज मस्ती में, बिल्कुल हल्की हल्की गाड़ी आपकी जो वो है ना क्या कहते हैं एवरेज भी बढ़िया दे देती है भैया। अरे मजाक कर रहा हूँ, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 2-4 किलो में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट चलो। अब ये क्या क्लोज हो गई है एक्चुअली, ये देखो बंद कर रखा है इन्होंने, ठीक है, और जो एंट्रेंस है एंट्रेंस वाली साइड से तो लाइक वो उन्होंने कर रखा है। मैंने पूछा वहाँ पे भाई से, मैं क्या भाई है क्या खुला हुआ, कह रहा खुला हुआ है। अब ये देखो ये सारा क्लोज कर रखा है, अब जाना मेरे को सीधा था। सो पंडित जी देखो मैं तो टाइम से हूँ, बट ये और लाइक ड्यूरेशन और बढ़ गया है, अब शायद ये पूछते हैं अंकल से किस साइड से पड़ेगा, ये पूछते हैं अंकल से, मेरे भाई ये सीधा जाना था, तो वहां से चौक से कहां से आऊं मैं, सीधा जाना है मैंने बिल्कुल, इधर जाना सीधा, हाँ तो सीधे कौन सेक्टर में जाना, ये यहीं पे एक ना फंक्शन है यार, यहां से तो रोड बंद है ना, हाँ ये रोड बंद है, कहां से मैं, ऐसे जाके ना, हाँ राइट हो जाना, ठीक है, राइट जाके चौक होगा, ठीक है, चौक से फिर राइट हो जाना, अच्छा सीधे निकल जाना, अच्छा सीधा, ठीक है मेरे भाई। वो एक्चुअली मैंने पूछा था, ये वो कह रहे कि यहाँ से ना सीधा रास्ता है, हाँ ठीक है, थैंक यू। सो देखो जहाँ पे भी कन्फ्यूजन हो तो पूछ लो। और यहाँ पे लाइक एक चीज़ में ना मैं सोचा, मैं क्या चलो अब क्या है वो ब्लॉग में, खैर मैं क्या क्या फ़ोन चालू करना, अब वो दिखाता हूँ मैं आपको, लाइक आप देखोगे आपको पता लगेगा। अभी एक चौक, कहने को तो ये चौक है बट यहाँ पे आप इसके लेफ्ट साइड देखोगे ना बिल्कुल खाली है, सीधा नीचे खाई टाइप लग रहा है, वो देखो बिल्कुल खाली दिख रहा है। अब मैं वहाँ से लाइक ये आया था, अब ये ना उजड़ा चमन है, अब ये उजड़ा चमन है वो चौक वहाँ पे सामने, सो यहाँ से मैं वहाँ से सीधा आया था, तो यहाँ पे मैं मुड़ लेता हूँ अभी यार, यहाँ पे बंद ना हो भाई, यहाँ पे बंद हो गया तो कसम से गोल गोभी हो जाएगा, नहीं गोल गोभी नहीं हुआ भैया, है खुला हुआ है। अब ये ना आप दूसरे उससे आ रहे हो तो आपको पता नहीं चलता, भाई ने बोला था यहाँ से राइट हो जाना है, ये चौक है, चौक से राइट हो जाना है,
चलो धीरे धीरे चलाते हैं। वैसे भी नया रोड है, पता नहीं कब कहाँ गड्ढा बड्ढा आ जाए, कुछ पता नहीं लगता ना ऐसे रोड का। यहाँ से चौक से राइट हो जाना, फिर अपना वेन्यू पे ऑलमोस्ट हम पहुँच जाएंगे। गूगल मैप तो है ही बताने के लिए। अबे गूगल मैप पता नहीं कसम से मैं दारू पी लिया इसने, गूगल मैप ने कहीं ना कहीं दिखा रहा है। अब यहाँ से चलो ये लोकेशन एक बार देख लेता हूँ। यहाँ से था वो पीछे वाले मोड़ पे दिखा रहा है कि यहाँ से मोड़ टर्न करना, वहाँ मोड़ नहीं था, वहाँ कोठी थी। अब देखते हैं यहाँ से सीधा भी रास्ता है, यहाँ से 200 मीटर दिखा रहा है, उसके बाद अपने को लेना है लेफ्ट टर्न। और यहाँ पे लाइक तकरीबन हम तीन चार साल पहले आए थे, उस टाइम यहाँ कुछ नहीं था। अब तो यहाँ प्रॉपर्टी डीलर वगैरह और ये बड़े बड़े कोठी घर वगैरह बन गए हैं। टाइम बड़ी जल्दी चेंज हो रहा है भैया। हाँ ये है विक्रम विहार। सो यहाँ है आज अपना शूट। पहुँच गए फाइनली पहुँच गए। नो एंट्री है यहाँ पे, एंट्री वगैरह करवानी पड़ेगी। जो एंट्री है वो है नेक्स्ट गेट से। हाँ मेरे ध्यान में आ गया, कई साल पहले आए थे हम जब यहाँ पे हमने इन पंकज भाई साहब की हमारे शादी करवाई थी। ठीक है, मतलब फोटोज वगैरह हमने ली थी। सो वी वर द पर्सन्स हु वर एंगेज्ड इन शूटिंग डाउन द वेडिंग ऑफ मिस्टर पंकज। सो अब पंकज के बाद अब हमारी जो बात आ रही है वो आई है उनके बेटे के फर्स्ट बर्थडे के। देख देखो हम रिलेशंस ऐसे बनाते हैं, आगे से आगे हमारे पास ही रेफरेंस आता है और हमारे पास जो क्लाइंट जुड़ जाता है हमारे साथ वो हमारे साथ ही रहता है। सो एक चीज़ पता है क्या बेस्ट होती है सोसाइटी में, आपका लाइक सेफ्टी एंड सिक्योरिटी वाइज ये सही रहते हैं। और ये बड़ी बड़ी कोठियाँ, बड़े बड़े महल है, महल नुमा महल, इसमें ऊपर चढ़ गए तो लाइक चक्कर वक्कर आ जाए। चलो कोई बात नहीं, हमारा तो ये गेट पास मिल गया अपने को। सो चलो चलते हैं। थैंक यू भैया, थैंक यू। ओके सो यहाँ से एक्चुअली उस गेट से पता नहीं, मैंने बताया नहीं होता है, उस गेट से एग्जिट है अकेला, एंट्री यहीं से है। अब यहाँ से हम सीधा जाएंगे। और मेरे को ध्यान में है वो जो था वो जैसे ही हम कर रहे थे यहाँ पे कहीं पे था, मतलब यहाँ से दिख जाता था, है तो वो नेक्स्ट उससे। ठीक है तो अभी चलते हैं। तो ये है सोसाइटी यहाँ भैया, और ये विक्रम बत्रा जी के उस पर है, जो कैप्टन विक्रम बत्रा जी जो शहीद हुए थे ये उनके नाम पे है। यहाँ पे देखो खेलने वेलने वाला ना, मतलब एम्बियंस अच्छा है बच्चों के लिए, सोसाइटी वगैरह ना, इसलिए मैं थोड़ा प्रेफर करता हूँ यार। चलो अब सोसाइटी के हिसाब से वो थोड़ा दूर पड़ जाता है, बच्चे का स्कूल वगैरह का भी अपन को देखना है कहाँ पे क्या कुछ करवाना है। सो वो चीज़ है यहाँ पे देखो, यहाँ पे फंक्शन है और हमने गाड़ी लगा दी यहाँ पे, पंडित जी की लगी है वो सामने गाड़ी, तो हम लगा देंगे गाड़ी यहाँ पे। ओके गाड़ी लग गई अपनी, करो स्विच ऑफ और चलो अंदर। GoPro स्टॉप रिकॉर्डिंग, GoPro टर्न ऑफ, GoPro टर्न ऑफ। अरे बात सुनने लग गया भैया, क्या बात है। ये है आज की अपनी बेबी के बर्थडे की शूट की लोकेशन। वो खड़े हैं पंडित जी, लगे हुए हैं कपल्स को पकड़ के करवाने के लिए। लॉक्ड भैया, लॉक्ड का है ये देखो, बैलून है, सारी चीजें हैं यहाँ पे। और कि बाहर खुलना था। सो ये है पंडित जी लगे हुए हैं और वो है प्यारा कपल। छोट ये लगे हैं पंडित जी। 85 मैं कौन सा लगाऊँ, 35 चल 85 लगा दें, 85 लगा दें। सो ये हेलो, एक बच्चे का टेंट्रम्स वगैरह ये चलते रहते हैं, ये क्यूट बेबी है ना। सो ये पंकज भाई है, इनका शादी हमने निपटाया था। ये मैडम के साथ शादी हुआ था और ये छोटा सा क्यूट बेबी हुआ है, इसका बर्थडे है। मैं देखो कितना ये फोटो ले रहे हैं, मैं इसलिए चुप करके हूँ। ये देखो केक बड़ा डिलीशियस लग रहा है भाई, मेरे तो मुँह में पानी आ गया, मैं भूख भी लग रही है। बट नहीं, ये जब तक केक काटेंगे नहीं तब तक हम केक खाएंगे नहीं। अरे साथ में आइए ना, साथ में आइए, घबरा गए रहे हैं अब घबराना नहीं है, अरे घबरा दे। बच्चा थोड़ा सा परेशान हो गया है, सो भैया फटाफट कर रहे हैं। तो अभी मांडोली चल रही है यहाँ पे, शायद भाई की शादी, एक्चुअली इनके ब्रदर है, हमारे भी ब्रदर है, तो इनके बड़े छोटे भाई की शादी है, इनसे मांडोली चल रही है और मैं वीडियो मेकर।
एक्चुअली क्या है, बाहर आके शायद सिग्नल आ जाए, अंदर तो सिग्नल ही नहीं आ रहे। जियो जय हो, जियो जय हो, जियो। अब घर वाले वेट ना कर रहे हो, सो बाहर आ गया मैं। एक बार फ़ोन को फ्लाइट मोड ऑफ करके फिर ऑन करके फिर देखता हूँ अगर सिग्नल वगैरह आ जाए कुछ तो। सो राइट नाउ एक इशू है, वो इशू देखो कहीं ना कहीं गाड़ी का पार्किंग का इशू है, और उसमें ऐसे है कि वी हैव टॉक्ड विद द लैंडलॉर्ड्स। सो मैं एक्चुअली घर ही वही देख रहा था जहाँ पे लाइक गाड़ी वगैरह आराम से पास मतलब लग जाए, निकल जाओ भाई, फिर भाई बताता हूँ। सो एक्चुअली जो फर्स्ट फ्लोर वाले हैं एंड सेकंड फ्लोर वाले हैं उनके बीच में लाइक दे आर हैविंग सम काइंड ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। सो सेकंड फ्लोर वाले गए नहीं है, बट मैं भी जिस तरह अभी कई बार फंक्शन पे है तो थोड़ा बहुत लेट हो जाते हैं, तो मैंने उनको वही रिक्वेस्ट किया कि आप प्लीज़ गाड़ी हटा दीजिएगा। बट यू नो व्हाट दे टोल्ड मी, द फर्स्ट फ्लोर गए दे टोल्ड मी कि गाड़ी तो भैया रोज़ रोज़ नहीं हटा सकता मैं। तो मैंने कहा सर आपने तो रिक्वेस्ट मतलब आप ही ने तो कहा था कि आप फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर का अंडरस्टैंडिंग है, लाइक मैं तो अपनी गाड़ी में मतलब अपनी जगह पे लगाऊंगा ना। सो वही है, अभी देखते हैं। मैंने उनको वही बोला कि सर एक बार आप लैंडलॉर्ड से बात कर लीजिएगा, बिकॉज सम हाउ मैं घर ही इसलिए ये लाइक ये वाला किया कि मेरी गाड़ी एक्चुअली थोड़ी सेफ पार्क हो जाए, बाकी तो और कोई इशू नहीं है, बाकी देखते हैं। सो वही है, एक्चुअली एक भाई आ गए थे, सो कह रहे फ़ोटो वगैरह खींच दो, तो हमने फ़ोटो वगैरह खींचने में थोड़ा लग गया। सो कहीं जहाँ तक जो सवाल है, मेनली पार्किंग के लिए वो लिया था, और अगर पार्किंग में लाइक इस तरह का रहेगा तो देखो मैं तो लैंडलॉर्ड को ही कह सकता हूँ, अल्टीमेटली कॉल उनका है, और इतना टाइम किसके पास है कि भसड़ भसड़ और ये सारी चीज़ें करें, ठीक है। नहीं तो फिर देखते हैं क्या बनता है क्या नहीं बनता, अब जिंदगी है, इसी का नाम चलना है, इसी का नाम जिंदगी है। ये बेबी नीनी कर रहा है, ओ भाई छोड़ दो इसको, देखो खालो खालो खालो। पापा होने के बाद ये मेहनत वाला काम करना पड़ता है, बट ये बहुत प्यारा मेहनत वाला काम है। फॉग हो गई है चालू पूरी जबरदस्त, और निकल गए हैं हम भी घर की तरफ। एक्चुअली लैंडलॉर्ड ने मैं बुलाया इस टाइम, थोड़ा साइन ऑफ करना है, एग्रीमेंट वगैरह जो भी होते हैं तो वो करके फिर सीधा घर जाएंगे, और वो अंकल से मैं बात भी कर लूंगा। मैं जहाँ पर भी जाता हूँ मैं जस्ट एक चीज ट्राई करता हूँ कि मेरे जाने के बाद लोग मुझे याद करें, बट याद किस चीज़ के लिए करें, अच्छी चीज़ के लिए, बुरी चीज़ के लिए नहीं। सो यही चीज़ें हैं, बस चलती रहती हैं, चलती रहती हैं, चलती रहती हैं। If you are really enjoying these kind of videos, अगर आपको ये पसंद आ रही है videos, like English हिंदी दोनों बोल रहा हूँ, so you know what you have to do, you have to subscribe to Dad Chandigarh Gaye channel, जो Dad Chandigarh Gaye channel है उसको आप subscribe करो और share करो अपने friends and families के बीच में, एकदम से मस्त करेंगे जो भी करेंगे, दिन हो या रात हो party करने का, like इसलिए मैं बार बार कर रहा हूँ क्योंकि हम किसी वीडियो के उसमें नहीं जाएंगे, हम खुद ही क्रिएट करेंगे अपना, खुद जो भी पैकेज वगैरह है वो सारा कुछ हम खुद ही करेंगे, एकदम मस्त करेंगे। डैड चंडीगढ़ गाय को करो सब्सक्राइब, बेल आइकन भी दबा लो, लाइक भी करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स फैमिली के लिए।